नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। नवादा समाहरणालय के समीप बने रेन बसेरा में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय द्वारा नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग को पुनः 20% सीट आरक्षित कर चुनाव कराने की मांग को लेकर नवादा जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। धरना में आए लोगों को संबोधित करते हुए नवादा जिला अध्यक्ष पंकज शर्मा ने कहा कि आज जिस प्रकार से नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग को दिए गए 20% आरक्षण को छीन लिया गया है, उससे अति पिछड़ा समाज में काफी आक्रोश है। उन्होंने बिहार सरकार से कानूनी प्रक्रिया पूरा कर जल्द से जल्द नगर निकाय चुनाव कराने की मांग किया है, ताकि अति पिछड़ा वर्ग को नगर निकाय में राजनीतिक भागीदारी प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि यदि बिहार सरकार जल्द से जल्द इस दिशा में पहल नहीं किया तो हम अति पिछड़ा समाज चुपचाप बैठने वाले नहीं है, जरूरत पड़ी तो हम लोग इस आंदोलन को और तेज करेंगे। पंकज शर्मा, संतोष कुट, चंद्रवंशी, मिलन सिंह, शिवनाथ शर्मा जी आदि मौजूद रहे। नवादा से अनिल शर्मा की भी फिर भी नवादा के विधानसभा पांच विधानसभा को उठा के देख लीजिएगा, आज तक किसी पार्टी ने अति पिछड़ों का अपने पार्टी से कोई एक टिकट नहीं देता है, ये भी चिंतन वाली बात है। मैं सभी पार्टियों से कहना चाहता हूँ, सरकार और हाईकोर्ट के फैसला जो अभी आप देख रहे हैं, अति पिछड़ों के आरक्षण के ऊपर जो राजनीति हो रहा है, ये धरना दिया नगर निकाय चुनाव में जो अति पिछड़ों का आरक्षण पे जो ये षड्यंत्र और साजिश जो हो रहा है, इसके खिलाफ जो अभी नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों का जो उम्मीदवार थे, लाखों लाख जो खर्चा करने के बावजूद और आज वो हाशिए पर है कि चुनाव नहीं होगा, तो धन भी गया और धर्म भी चला गया। इसलिए राजनीतिक गलियारों में संदेश देना चाहते हैं कि आबादी के अनुरूप 40% अति पिछड़ों की आरक्षण सुनिश्चित होना चाहिए। आज सरकार बोल रही है कि हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, एक दिग्भ्रमित और गुमराह करने की बात है। अगर जाना था तो आप सब कुछ प्रक्रिया पहले कर लेते, उसके बाद चुनाव करवाते, लेकिन आपने तो त्रिशंकु की तरह अधर में अति पिछड़ा को ठेल दिए। भीड़ हमारी होती है, वोट हमारा होता है और राज आप लोग करते हैं। अब यह नहीं चलेगा, अति पिछड़ा जाग चुका है अपना शासन और सत्ता के लिए, अपने हक हकूक मौलिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा। क्या नाम है आपका? मिलन सिंह, चंद्रवंशी। आप किसको दोषी मानते हैं? सरकार को दोषी मान रहा हूँ, पूर्ण रूप से सरकार की दोषी मान रहा हूँ। 2010 से सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश दिया जा रहा है, तो आप इसको पालन क्यों नहीं कर? 17 साल से यही तो है, कोई और है तो बताइए। अब किसको दोषी माने? हेमंत सोरेन जी को? हेमंत सोरेन जी तो वहाँ जो है ताकि पिछड़ा का आरक्षण झारखंड में भी खत्म कर दी, तो कांग्रेस और RJD जाकर तो वहाँ धरना प्रदर्शन करे ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? और यहाँ कह रहे हैं कि हम साथ हैं तो पिछड़ा का, कैसा साथ है? यह गुमराह करने की बात है, पूर्ण रूप से गुमराह किया जा रहा है।